नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। किसानों ने शुरू किया अनिश्चितकालीन धरना। लघु सचिवालय के समक्ष दिया जा रहा है धरना। अखिल भारतीय स्वामीनाथन संघर्ष समिति के आह्वान पर धरने पर बैठे किसान। खरीफ की फसल का बीमा क्लेम न मिलने पर किसानों में है आक्रोश। खरीफ की फसल 2017 के बीमा क्लेम का भुगतान नहीं करने पर मांग कर रहे हैं किसान। सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। मुख्यमंत्री द्वारा बार बार आश्वासन देने के बाद भी नहीं दिया जा रहा भुगतान। सिरसा जिला के किसानों का 170 करोड़ रुपए का क्लेम बकाया। आप देख रहे हैं सिरसा से अमर सिंह जानी के साथ कैमरामैन संजीव शर्मा की ये रिपोर्ट। फसल बीमा योजना के तहत क्लेम के भुगतान के लिए सिरसा के लघु सचिवालय के समक्ष किसानों का अनिश्चितकालीन धरना शुरू हो चुका है। अखिल भारतीय संघर्ष समिति के आह्वान पर किसानों द्वारा धरना दिया जा रहा है। किसानों की मांग है कि उनका 2017 के खरीफ की फसल का क्लेम भुगतान तुरंत किया जाए। किसानों ने सरकार को वादा खिलाफी का आरोप लगाया है और कहा है कि मुख्यमंत्री के बार बार आश्वासन देने के बावजूद भी यह क्लेम नहीं दिया जा रहा। किसानों के अनुसार सिरसा जिला में किसानों का लगभग 170 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम बकाया है। वहीं अखिल भारतीय स्वामीनाथन संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष विकल्प चार ने बताया कि पहले क्लेम की मांग को लेकर के अनिश्चितकालीन धरना दिया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद धरना समाप्त कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि सरकार बीमा कंपनियों को दलाल के रूप में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अकेले सिरसा जिले में किसानों के करोड़ों रुपए बकाया है। आप देख रहे हैं सिरसा से पल पल की खास रिपोर्ट। देखिए, धरना लगाना किसानों का कोई शौक नहीं है, धरना लगाना किसानों की मजबूरी है। 2017 के अंदर सिरसा के किसानों ने नरमे की फसल का बीमा प्रीमियम का भुगतान किया था और सिरसा में लगभग 60% खराबा हुआ, जो क्रॉप कटिंग के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के नतीजों से आया। और वो रिपोर्ट दिसंबर में बीमा कंपनियों को सौंप दी गई। लगभग 170 करोड़ रुपए सिरसा के किसानों का बीमा क्लेम बना, तो कानून के हिसाब से तो हमें कणक की बिजाई से पहले जनवरी के अंदर उस बीमा क्लेम का भुगतान हो जाना चाहिए था। लेकिन जब हमने फरवरी में धरना लगाया तो मुख्यमंत्री महोदय ने हमें जून से पहले पहले खाते के अंदर, किसान के खातों के अंदर क्लेम के भुगतान की बात करी। तीन बार उन्होंने तारीखें बढ़ाई, तो बार बार इंतजार करके अब हमारी अगली खरीफ की फसल आ गई, हमारा अगला प्रीमियम कट चुका है। लेकिन पिछले प्रीमियम के अंदर जो 170 करोड़ रुपए बहुत बड़ी राशि है, उस क्लेम का एक पैसे का भुगतान भी किसानों को नहीं हुआ है। और पीछे अगर हम राजस्थान मध्य प्रदेश के उदाहरण देखें तो ये बीमा कंपनियां साल दो साल के बाद भाग जाती है और किसानों के ऊपर नई कंपनी को ठेका दे दिया जाता है और नई कंपनी और सरकार कहती है कि हमारा, अब पुरानी कंपनी भाग गई, हमारा इसमें कोई योगदान नहीं है। तो एक तरफ तो हरियाणा सरकार इन कंपनियों के दलालों का काम करती है, क्योंकि बीमा कंपनी कभी भी किसानों से प्रीमियम नहीं काटती। ये सरकार हमारे किसान क्रेडिट कार्ड के जो किसान है उनसे पूछे बिना उनके खातों से प्रीमियम काट लिया जाता है, लेकिन जब भुगतान की बात आती है तो सारी बात बीमा कंपनियों पर छोड़ दी जाती है। तो इसी क्लेम की मांग को लेकर सिरसा जिला के किसान अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। जब तक हमारा क्लेम ब्याज सहित खातों में नहीं आएगा, ये धरना अनवरत जारी रहेगा।